अगर राजद को यादवों ने वोट नहीं दिया और कुर्मियों ने नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया और ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया या कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो ये कभी कोई बोलते हैं लोग हिंदू ने हमको वोट नहीं दिया इसलिए हम हार गए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार चुनाव के नतीजे के बाद आज पहली बार AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पटना में थे और इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी नतीजों पर बात की और कहा कि उनकी कोई भूमिका नहीं है महागठबंधन को बिहार में हराने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर RJD को मुसलमानों ने और कुर्मियों ने नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया और ब्राह्मणों ने BJP को वोट नहीं दिया तो इसका इल्ज़ाम उनकी पार्टी पर नहीं लगाया जा सकता। इससे पहले UP में भी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा लेकिन BJP कैसे जीत गई, यानी कि कुल मिला कहें तो ये कहा जाता है कि महागठबंधन के हार के पीछे सीमांचल की वो 5 सीटें अहम किरदार निभा चुकी हैं जो सीटें AIMIM ने जीती थी। लेकिन आज असदुद्दीन ओवैसी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है, उनकी पार्टी तो 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी सीमांचल में और 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आगे आप वीडियो में देखिए असदुद्दीन ओवैसी TSP की हार और खुद की जीत पर बिहार में क्या कुछ कह रहे हैं। वो देखिए चुनाव कोई भी लड़ सकता है मगर ये बिल्कुल नहीं, ये देखिए नुकसान फायदा तो जनता तय करेगी मगर इनका ये अगर ये कमेंट है सामना में ये बिल्कुल गलत है। सरकार आपकी आपका काम है उसको प्रोटेक्शन करना, माहौल पैदा करना और उसको आप बोलेंगे वहाँ के लोग यहाँ, अरे भाई इंडिया इज़ ए मेल्टिंग पॉट, आप सब जाएंगे ना, उसमें क्या बुरी बात है। आपको गुस्सा कब से आने लगा? हाँ, गुस्सा कब से आने लगा है? नहीं, गुस्सा कहाँ है, ये तो नॉर्मल बिहेवियर है ये। ना ना, सवाल नहीं, आप सवाल करेंगे जवाब तो देना पड़ेगा ना, जवाब दे रहे हैं और क्या। ये यूपी में जो कि दूसरे राज्यों में भी आप पे आरोप लगता रहा है कि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो किसी को फायदा होता है किसी को नुकसान होता है, यूपी में किसको फायदा हुआ? सर एक बात सुनिए, बिहार में आप हमारा इलेक्शन कैंपेन कवर किया, आप तमाम का बेहद शुक्रिया, आप सब ने हमका, आप तो साथ भी थे सर, आप तो हमारे एक दिन दो दिन साथ भी थे, आप बताइए कहाँ हमारी वजह से BJP को फायदा हुआ यहाँ पर। अरे भाई उनको कांग्रेस को नहीं बोल सकते, हराएंगे ना, हराए ना, नहीं नहीं हराए ना हम लोग, देखिए 19 सीट हम लड़े, कितने लड़े हम लोग, 19 लड़े, 5 जीते, आपको मालूम 9 पे गठबंधन जीता और वो 9 सीट जहाँ पे गठबंधन जीता हमारा जो मेजॉरिटी थी वो उनके विनिंग कैंडिडेट से कम थी, 6 NDA जीती और वो भी हम जाओ 6 वोट लिए, जो 6 कैंडिडेट हमारे वोट लिए उनका मेजॉरिटी फर्क नहीं पड़ता, तो झूठ है ये भाई, आप हार रहे हैं आप कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए हमको, अगर राजद को यादवों ने वोट नहीं दिया और कुर्मियों ने नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया और ब्राह्मणों ने BJP को वोट नहीं दिया या कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो ये कभी कोई बोलते हैं लोग हिंदू ने हमको वोट नहीं दिया इसलिए हम हार गए, कभी सुना आपने? क्या मुसलमान क्या इनका गुलाम है, कैदी है कि हम तुमको वोट डालते रहेंगे? कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे ये बात, मगर जहां लफ्ज मुसलमान आएगा वो समझते हैं कि हमारा कैदी है। ये मामला इनको सोचना पड़ेगा कि अब माहौल बदल चुका है, अब वो मामला नहीं चलने वाला है, कहीं पर भी नहीं चलने वाला है। उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, हम क्या लोकसभा का चुनाव लड़े वहां पर, 1 सीट नहीं लड़े, कैसे जीत गई BJP? फिर कौन जिम्मेदार है उसका? अखिलेश यादव की वाइफ हार गई, दोनों भाई हार गए, हमारी वजह से हारे। इस बार क्या होगा? भाई मैं तो ज्योतिषी नहीं हूं ना, मैं कोई सेफोलॉजिस्ट हूं, मैं हाथ देखकर भी नहीं बोल सकता क्या होने वाला है, मुझे क्या मालूम क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा इंशाल्लाह।